तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अकाउंट वार्निंग ओनली यू कैन सी दिस। इसी तरह दोस्तों प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए जब दोस्तों आप लोग का फेसबुक या फेसबुक प्रोफाइल पर दोस्तों आप लोग क्या करते हैं किसी डेंजरस वीडियो सेक्सुअल एक्टिविटी या डेंजरस मौत का कोई तमाशा या आपका खून का कोई रंग आप लोग दिखा देते हैं वहाँ पे फेसबुक, जब वीडियो अपलोड करते वीडियो पे अगर कोई क्लिप इसी तरह का रहता है तब जाके दोस्तों आप लोग को इसी तरह का जो किसी बंदे ने आप लोग को रिपोर्ट कर देते हैं वीडियो पर। मैक्सिमम दोस्तों ये 2 बजे से होते हैं, 1 बजा है आप लोग का वीडियो में कोई सेक्सुअल कंटेंट है, सेक्सुअल वीडियो क्लिप है या सेक्सुअल एक्टिविटी है, और दूसरा है दोस्तों आप लोग का कोई डेंजरस मौत का तमाशा दिखाते हैं या वहाँ पे दोस्तों आप लोग खून का तमाशा दिखाते हैं। तब जाके दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो क्लिप आप लोग का वीडियो में रहता है तो दोस्तों दूसरा कोई बंदा अगर रिपोर्ट करते हैं आप लोग का वीडियो पर तो दोस्तों इसी तरह का प्रॉब्लम आप लोग का सामने देखने को मिल जाएगा। अकाउंट अर्निंग ओनली यू कैन सी दिस, इसी तरह का प्रॉब्लम दोस्तों आप लोग का सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएंगे दोस्तों, ये भी हम अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखते रहिए, आप लोग इसी तरह सेटअप आप लोग फॉलो कर लीजिए, 110% आप लोग का ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग का पेज या प्रोफाइल पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वीडियो है या कोई मौत का तमाशा का वीडियो है या कोई खून का खराबा का कोई वीडियो है, उस वीडियो को दोस्तों आप लोग पहले अपना पेज या प्रोफाइल से आप लोग पहले डिलीट कर लीजिए, उसका बाद जाके दोस्तों आप लोग ये सेटअप कर दीजिए, 110% आप लोग का फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज ठीक हो जाएगा। ये काम करना है आप लोग को, यहाँ पे पहले क्लिक करना है इस ऑप्शन का ऊपर। यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग को सामने दोस्तों इसी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं इसी तरह का दोस्तों जब प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा आप लोग सी वाई पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का सामने दोस्तों इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आप लोग का पेज पर कितना रिपोर्ट किया है और आप लोग का वीडियो में कितना रिपोर्ट आया है, इसकी वजह से आप लोग का यहाँ पे वार्निंग दे दिया है फेसबुक की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस रिपोर्ट को आप लोग रिटर्न करना होगा। ये रिटर्न आप लोग इसी तरह से कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हम दिखा देते, ये देखिए दोस्तों ये क्लोज है, इसको हम रिटर्न कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये क्लोज है, इसको हम रिटर्न कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ओपन है और ये ओपन है, ये दोनों को हमने रिटर्न नहीं किया है। तो दोस्तों हम अभी ये दोनों को रिटर्न करेंगे, रिटर्न करके आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हम समझा भी देंगे और आप लोग यहाँ पर देखते रहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का साथ साथ दोस्तों आप लोग का सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आप लोग सी ऑप्शंस का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं योर पोस्ट गोस अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन। तो दोस्तों हमने जो बोला था वही है यहाँ पर, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर फिर से दोबारा क्लिक करना पड़ेगा कंटिन्यू का ऊपर, फिर से दोस्तों दोबारा आप लोग कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, व्हाट यू लाइक टू डू योर पोस्ट गोस अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह का देखने को मिल जाएगा, इसका ऊपर दोस्तों आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर चूज करना होगा, आई थिंक फेसबुक misunderstanding this intent or context of my post। आप लोग को दोस्तों पहला जो है इसको आप लोग को क्लिक कर दीजिए, misunderstanding की वजह से आप लोग का ये हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को टिक मार्क देकर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है, उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे उसको क्लोज कर दीजिए। उसका बाद दोस्तों आप लोग का जो ये प्रॉब्लम था ये फेसबुक का पास चला जाएगा और आप लोग का जो प्रॉब्लम था वो 110% रिमूव हो जाएगा, इसी तरह दोस्तों आप लोग अगर करेंगे तो। दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।